वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक स्किन केयर वीडियो, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और फायदा बताने वाली हूँ हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी सीरम के बारे में। और मैंने इस प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ किया है 2 to 3 weeks, और इसके बाद ही मैंने आप लोगों के साथ वीडियो करने का डिसाइड किया या फिर आप लोगों के लिए रिव्यू करने का डिसाइड किया। गाइस, इस प्रोडक्ट का टोटल बेनिफिट देखने के बाद और रिजल्ट देखने के बाद मैंने इस रिव्यू करने का डिसाइड किया आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो ऐसे कोई प्रोडक्ट जो विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड के साथ बना हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा 100%। आई होप कि आपको मजा भी आएगा। एनीवेज गाइस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट जंपिंग टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, मेरे फेस में कोई भी मेकअप नहीं है, बस काजल और आईब्रो प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया और थोड़ा सा लिपस्टिक। और गाइस, स्किन में कोई भी मेकअप नहीं है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है। एंड गाइस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बहुत लोगों का बहुत सारा थिंकिंग है। मेरा भी था कि हाइलुरोनिक एसिड यूज करना चाहिए या नहीं, क्या मेरा एज परफेक्ट है हाइलुरोनिक एसिड के लिए या फिर नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। एनीवेज, अभी प्रोडक्ट को दिखाते हैं। सो गाइज, इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है एसटी बोटानिका। एनीवेज गाइज, तो मैं स्क्रीन के साइड में इस प्रोडक्ट का पिक्चर डाल दूंगी तो आपके लिए देखना इजी हो जाएगा। एनीवेज, तो इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है एसटी बोटानिका विटामिन सी विटामिन ई हाइलुरोनिक एसिड प्रोफेशनल फेशियल सीरम। इस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो है 20 ml ऑफ द प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 1799 rupees। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन गाइज ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। एंड गाइज, मैं ऑलवेज कहती हूँ कि मेकअप जितना भी चीप यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन आपके स्किन केयर बिल्कुल बॉम होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन ही ओरिजिनल आपको बताएगा कि आपकी स्किन में आप क्या क्या यूज कर सकते हो। मतलब मैं ऑलवेज स्किन केयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। एनीवेज, तो मैं एसटी बोटानिका का हर एक डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं वेबसाइट का लिंक डालूंगी, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डालूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो वेबसाइट का लिंक डालने वाली हूँ उसमें आप क्लिक करके आपको जरूर पता चल जाएगा कि आप कैसे प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। एंड डेफिनेटली गाइस, दिस प्रोडक्ट वर्थ इट, डू ट्राई इट, वर्थ इट, डू ट्राई इट। हम जब यंगर रहते हैं तो हमारी स्किन में एक नेचुरली कोलेजन रहता है, हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सपल होता है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ वो बहुत सारा घट जाता है। बहुत लोगों का नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों का होता है। गाइज, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी स्किन के खोया हुआ कोलेजन को वापस लाने में मदद करता है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग बनाता है, और ये अंदर से एक ग्लो लाता है। गाइज, माय सेकंड पॉइंट इज हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी सीरम एक एंटी ऑक्सीडेंट है, जो कि आपके स्किन के एंटी एजिंग करता है, आपके स्किन को यूवी रे से बचाता है। एंड गाइज, जब तक हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन को बचाता है, आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, लेकिन विटामिन सी सीरम के साथ ये सीरम मिक्सचर है, तो विटामिन सी सीरम आपके स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड बहुत स्मूथ रखने में मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, विटामिन सी सीरम आपकी स्किन को सपल एंड सॉफ्ट बनाता है। माई थर्ड पॉइंट इज, मैक्सिमम सबको बताया कि विटामिन सी सीरम हमारे स्किन को अंदर से एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। आपकी स्किन नॉर्मली लाइटनिंग तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ लाइटनिंग योर स्किन, लेकिन आपकी स्किन अंदर से बहुत ब्राइट हो जाएगा बिकॉज यू आर यूजिंग विटामिन सी सीरम। सो गाइज, माई नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपके स्किन में रिंकल है, अगर आपकी स्किन में मेरी तरह एक्नी स्पॉट्स है, जैसे कि यहाँ पर एक्नी स्पॉट्स है, तो ये विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड दोनों मिलके आपके स्किन के जो रिंकल, फाइन लाइंस एंड जो स्पॉट्स हैं, जो भी पिगमेंटेशन है, उसको मिटाने में मदद करता है। सो इट्स अ ग्रेट एजेंट, अगर आप रेगुलरली यूज करोगे तो आपको जरूर फायदा दिखने को मिलेगा बहुत बहुत जल्दी। गाइज, मैं अभी आपको थोड़ा सा अपना थॉट्स बताऊंगी और इसके बाद मैं कैसे यूज कर सकते हो मैं उसको दिखाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा थॉट्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। सो गाइज, इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थी कि ये प्रोडक्ट को मैं यूज करूँ ना करूँ, बिकॉज इट्स एंटी एजिंग प्रोडक्ट और मेरी स्किन में इतना ज्यादा कोई फाइन लाइन्स नहीं है, कोई भी एंटी मतलब एजिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपका एज 24+ है तो आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज कर सकते हो, अगर आपको प्रिवेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्रिवेंट करना है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखना है, तो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए कोई भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट, और ये बहुत माइल्ड एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, तो आपको इससे स्टार्ट करना चाहिए। एंड गाइज, मैं एक बात बताना चाहूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, आई एम अ सुपर ऑयली काइंड ऑफ अ पर्सन, आप देख सकते हो अभी भी मैं ऑयली हूँ, मेरी स्किन काफी ऑयली है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को टाइनी बिट
टाइनी बिल्कुल टाइनी बिट ड्राई कर सकता है। अगर आप एसी में जाओगे, अगर आप कोई ड्राई प्लेस में है, तो आपकी स्किन को टाइनी बिट ड्राई कर सकता है। इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को कभी कभी मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके यूज करती हूँ अपने फेस में। गाइस, हर एक इंसान का स्किन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मेरे स्किन में ये ड्राई फील कर रहा है तो मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, आपकी स्किन में ड्राई फील नहीं भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको आप अंडर आई एरिया पे भी यूज़ कर सकते हो, अराउंड द आई भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैं ऑलवेज अंडर आई एरिया को अवॉइड करती हूँ, ओनली आई क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मतलब आई क्रीम यूज़ करती हूँ। लेकिन गाइस, इस प्रोडक्ट को आप अंडर आई एरिया पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके फाइन लाइंस को भी दूर करेगा। तो मैं कभी कभी अपने क्रीम के साथ, मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ, लेकिन आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होता है तो मैं नॉर्मली यूज़ कर सकती हूँ, मतलब करती हूँ गाइस, क्या हो जाता है मुझे कभी कभी, एनीवेज करती हूँ। लेकिन कभी कभी जब बहुत ड्राई फील करती हूँ तो मैं डेफिनेटली मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका डिफरेंट है तो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। को यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट शॉर्टली बताना चाहती हूँ। ये प्रोडक्ट आपके स्किन को यूवी रे से बचाएगा और ये आपके स्किन में एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग सपल बनाएगा, आपके स्किन में जो कॉलेजन खो गया है वो कॉलेजन को वापस लाने में मदद करेगा। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्किन को ब्राइटर बनाएगा, प्लम्प्ड बनाएगा। तो ये शॉर्टली मेरा था, जो भी बेनिफिट है वो मैं शॉर्टली बताना चाह रही थी। अभी हम यूजेस की तरफ जाएंगे। बेनिफिट ऑफ हाइलोरिक एसिड का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कम से कम 30-35 लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो बार के नीचे एक रेड वाला बटन दिखेगा, उसको दबाना पड़ेगा। उसके पास एक बेल वाला बटन है, उसको दबाना पड़ेगा। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी और भी स्किन केयर वीडियोज़ लाते रहूँगी आप लोगों के लिए, जो कि आपको मदद करेगा। एनीवेज गाइस, बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।